नमस्कार, आप देख रहे ASR SSU यूट्यूब चैनल। मैं हूं आकाश सिंह रावत आपके साथ। भारत में पेपर लीक का मामला नया नहीं है। कई सारे उच्च संस्थान जो कि एग्ज़ाम लेते हैं और उसमें पेपर लीक का मामला सामने आ जाता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, बोर्ड हो या फिर कोई भी आयोग हो जो जॉब के लिए एग्ज़ाम लेती है, सभी में आपको पेपर लीक का मामला देखने को मिल जाएगा। और इस बीच मगध यूनिवर्सिटी चर्चा में आ रही है, क्योंकि मगध यूनिवर्सिटी में स्नातक पाठ्यक्रम की परीक्षा 1 दिसंबर से चल रही है और लगभग ये एग्ज़ाम अपने अंतिम पड़ाव पर है। 10 तारीख का जिसका एग्ज़ाम हुआ था, बस वो 17 तारीख को होगा। और आप में से काफ़ी सारे लोग ये इन्फॉर्मेशन जान गए होंगे कि मगध यूनिवर्सिटी में पेपर लीक हुआ है। ऐसा हिंदुस्तान पेपर से आपको कंफर्म कर दिया गया है कि मगध यूनिवर्सिटी में पेपर लीक हुआ है। आप हिंदुस्तान पेपर का ये आर्टिकल देख सकते हैं, आज का ही आर्टिकल है। वहाँ पे भी लिखा गया है कि GS का पेपर 1 दिन पहले वायरल हो गया था। और ऐसे कई सारे सवाल उठाए गए हैं मगध यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट पे, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट अब दुविधा में हो गए हैं कि अगर कुछ ऐसा होता है तो कहीं मेरा एग्ज़ाम कैंसिल ना हो जाए। दोस्तों, स्टूडेंटों का कोई गलती नहीं है, इस चीज़ को यूनिवर्सिटी भी समझ सकती है और आप भी समझ रहे होंगे। गलती है एजुकेशन माफिया की, जो 100 रुपये 50 रुपये के लिए क्वेश्चन पेपर दे देते हैं। उनको क्वेश्चन पेपर का वैल्यू पता नहीं होता है, लेकिन 50 और 100 रुपये अपने फायदे के लिए वे लोग क्वेश्चन पेपर दे देते, फिर मीडिया में चला जाता है और 1-2 स्टूडेंट की गलती के कारण सारे स्टूडेंटों को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप जो परेशान हो रहे होंगे कि सर एग्जाम मेरा कैंसिल होगा या नहीं होगा, तो आप बेफिक्र रहिए, आपका एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना सेशन लेट जा चुका है, अब यहाँ पर एग्जाम कैंसिल होने की कोई बात ही नहीं है। दोस्तों, हाँ, हाई स्तरीय जाँच होनी चाहिए, मगध यूनिवर्सिटी की ओर से करना चाहिए कि आखिर ये हमारे से चूक कहाँ हुआ है, किसने इसमें गलती किया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा देना मगध यूनिवर्सिटी को, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको वीडियो बना प्रोवाइड करा रहा हूं कि आप लोग परेशान हो रहे हैं कि हमारा एग्जाम कैंसिल तो नहीं हो जाएगा, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपका एग्जाम कैंसिल नहीं होने वाला है। गलती एजुकेशन माफिया की, बिहार एजुकेशन सिस्टम की है, मैनेजमेंट की है, तो आपको उसकी सजा नहीं मिलेगा। दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। ऐसे ही एजुकेशन इन्फॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।